चलिए बच्चों से देखिए कि यदि किसी वृत्त केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है कंस्ट्रक्शन के जस्ट बिफोर चैप्टर का नाम सर्कल है और चैप्टर का 7 चैप्टर का 10th क्लास का है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये थ्योरम और ये 9th 10th दोनों ही क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी वृत्त पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। सबसे पहला काम क्या है, आपको एक सर्कल ड्रॉ ही कर लेना है। लेट अस ड्रॉ अ सर्कल और इसका केंद्र बिंदु, एक सेंटर, इसका नाम दे देते हैं हम, सी दे देते हैं, सी यानी सेंटर और सर्कल भी हो गया, ठीक है। केंद्र से जीवा यानी कॉर्ड, एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। और कॉर्ड कहाँ पर होती है आपको पता है कि केंद्र से जस्ट ऊपर नीचे दाएँ बाएँ कहीं भी आप दूर कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पे भी। जैसे मैंने इधर कहीं भी खींच दिया तो ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, तो हम एक कॉर्ड ले लेते हैं, ठीक है। एक कॉर्ड ड्रॉ हो चुकी है, ये क्या है, कॉर्ड है। कॉर्ड को क्या नेम बोलते हैं, जीवा। लेट अस ड्रॉ अ कॉर्ड और इसका नाम भी दे देते हैं हम, कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी कुछ भी। तो हम पी और क्या देते हैं, तो बच्चों पी के बाद क्या आता है, क्यू, तो पी क्यू, ठीक है। प्रतिकेंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो अब जे ये केंद्र बिंदु है तो इस कॉर्ड पे एक लंब ड्रॉ करते, इसका नाम देते हैं एल, ठीक है। डाला जाए तो जीवा को दो बराबर भागों में, तो ये जीवा पी एल इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू एल, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो आप इसको यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ये कम्प्लीट हो गया। तो सिद्ध कीजिए कि यदि किसी प्रतिकेंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इतना कंप्लीट होने के बाद आपको अब इसको सॉल्व करना है। आप पहले आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसमें कॉर्ड पी क्यू है और इसमें लंब क्या है, सी एल, परपेंडिकुलर पी क्यू आप लिखोगे, ठीक है। और पी और सी या सी और क्यू, ये बोथ आर रेडियस, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले दिया है, गिवन लिखते हैं बच्चों, ठीक है, दिया लिखते हैं, दिया है, गिवन क्या दिया है, सी केंद्र के वृत्त में पी क्यू जीवा है, ठीक है। सी बिंदु केंद्र है, सी केंद्र के वृत्त में पी क्यू क्या बच्चों, जीवा है, पी क्यू एक जीवा है, ठीक है। इतना कंप्लीट आपको दिया है, ठीक है, सी केंद्र के वृत्त में पी क्यू एक जीवा है, ठीक है। इसके बाद सिद्ध क्या करना है, और कुछ दिया क्या, हाँ, सी एल, सी एल परपेंडिकुलर है बच्चों, सी एल किस पे लंब है, पी क्यू पे, ये लिख देना, सी एल परपेंडिकुलर पी क्यू। इसके बाद सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, जस्ट लुक एट नाउ, अभी आप इसको देखना, क्या सिद्ध करना, बोला क्या गया, जीवा पर लंब डाला जाए, जीवा पर लंब डाल दीजिए तो वह जीवा को दो बराबर भागों में, तो जीवा क्या है, पी क्यू, तो पी क्यू को कितने, दो, टू पार्ट्स में क्या अगर डिवाइड कर रहा है, एक ये, तो इसका नाम पी एल इक्वल क्यू लिख देंगे, पी एल इक्वल क्या सॉल्व करना बच्चों, क्यू एल। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको देखिएगा, आइए सॉल्व करते हैं। आपको सीधे क्या करना था, पी एल इक्वल क्यू एल। अब कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, इसमें किया क्या गया है, तो रचना क्या लिखना बच्चों, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन रचना। तो हमने क्या किया, सी से पी को मिलाया, सी से एल को मिलाया और सी से क्यू को। तो आप लिख सकते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू राइट इन इंग्लिश देन यू कैन राइट ज्वाइन पी ज्वाइन सी एल फ्रॉम ज्वाइन सी एल सी पी एंड सी क्यू, ठीक है। और हिंदी में लिखना है तो आप लिखेंगे सी एल सी पी सी एल सी पी और सी क्यू को मिलाया, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए इतने कंप्लीट होने के बाद जो कंस्ट्रक्शन आप लिख लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उपपत्ति, आप यहाँ पे सीएल मैंने लिखा है, आप चाहें तो ना भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने क्या कब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो अब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखना है सीपी और सीक्यू को मिलाया, ठीक है, दो ही चीज़ें आप लिखना, ज़्यादा नेक्स्ट रहेगा और ज़्यादा अच्छा भी है, बहुत ज़्यादा। आप परपेंडिकुलर जो लाइन होती है इसको ना ही लिखें क्योंकि आपको ड्रॉ कर दिए हो पहले से ही, इसमें बोला गया कि ड्रॉ करना है, सो डोंट डू राइट एंड डोंट डू ज्वाइन सी एल, ओके। वंस अगेन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा, उपपत्ति होगी। अब इसको मतलब सॉल्व कैसे किया जाएगी ये हम देखते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले उपपत्ति के लिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और बड़ा सिंपल से करेंगे, देखिएगा इसको बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है।
रचना के बाद आपको उत्पत्ति करनी है बच्चों, तो यहाँ थोड़ी मिटा देते हैं, इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं। देखिएगा रचना आप लिख लिए हो, रचना के बाद उत्पत्ति करते हैं यहाँ पे। उत्पत्ति, उत्पत्ति कैसे करेंगे? ठीक है, उत्पत्ति के लिए टू ट्रायंगल्स, वी हैव टू ट्रायंगल्स सी पी एल एंड सी क्यू एल। ठीक है, दो आपको ट्रायंगल्स दिए हैं तो आप उन्हीं को लिख लेना पहले, त्रिभुज सी पी एल और त्रिभुज सी क्यू एल में। ठीक है, वी हैव टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल सी पी एल एंड ट्रायंगल सी क्यू एल। ठीक है, लेट अस स्टार्ट नाउ। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे देखना है हमें जो सॉल्व करने, जो साइड्स आपको सॉल्व करने पी एल इक्वल क्यू एल, तो इसको इस पूरे कॉन्सेप्ट में नहीं आना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। ये जो सिद्ध करना है लास्ट में आएगा, यहाँ पे आप नहीं लिखना, बाकी चीज़ें हम देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं सी पी और सी क्यू। ट्राइंगल की बात करें तो सी पी, इस त्रिभुज सी पी एल में, सी पी एल में कॉन्ग्रुएंट साइड की बात करें यानी संगत भुजा की, तो सी पी भुजा किसके बराबर? सी क्यू के। तो आप लिखना सी पी इक्वल सी क्यू, फर्स्ट साइड आपको मिल चुकी है। ठीक है, अब जब आपको भुजा मिल गई तो एक एंगल बन रहा, वो कैसा एंगल बन रहा है? राइट एंगल, 90 डिग्री पे ड्रा हो रहा। आपको ध्यान रखना कभी भी ऐसी लाइन ड्रा हो 90 डिग्री है, और इधर इधर से 90 डिग्री है, तो एक इधर से लाइन ड्रा है, तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों? 90 डिग्री, राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री है, समकोण तो ड्रा हो चुका है। ठीक है, तो आप एक पहली साइड ड्रा हो चुकी है और दूसरा क्या है? एंगल ड्रा होगा। तो आप लिखना एंगल सी एल पी, सी एल पी इक्वल एंगल सी एल क्यू, सी एल क्यू। और ये क्या है? कॉमन एंगल है, उभयनिष्ठ कोण जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हो उभयनिष्ठ कोण, अदरवाइज ना लिखें तो ये क्या लिखेंगे? 90 अंश का कोण, समकोण। 90 अंश का कोण लिखें या कि समकोण लिखें। ठीक है, प्रत्येक कोण क्या है? 90 अंश का। तो आप लिख सकते हैं प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण क्या बच्चों? समकोण, यानी 90 अंश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें ये कंप्लीट हो गया। तो सी एल देखें, दोनों ट्रायंगल पे देख रहे हैं सी एल, देखिए बच्चों सी एल और सी एल, बोथ द साइड्स आर इक्वल, देन यू कैन राइट नाउ। चलिए इसको लिख देते हैं सी एल इक्वल सी एल। ठीक है, अच्छा अब ये साइड देखिए दोनों त्रिभुजों में है, इस त्रिभुज की भी बात करें तो सी एल मिल रहा है इसमें भी। ठीक है, तो साइड इक्वल हो चुकी है, और इसको बोलेंगे कॉमन साइड या उभयनिष्ठ भुजा। कॉमन उभयनिष्ठ भुजा किसे कहते हैं? ऐसी भुजा जो दो त्रिभुजों में कंपेयर करने पे दोनों पे सेम आए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए बच्चों किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, सर्वांगसम करने के लिए तीन ही कंडीशन नेसेसरी होती है। ठीक है, जो हमें मिल चुकी हैं साइड एंगल साइड। ठीक है, हमें क्या कॉन्सेप्ट मिला है? साइड एंगल साइड। तो जब तीनों कॉन्सेप्ट हमें क्लियर फाइंड आउट हो गए हैं, तो आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं सर्वांगसम। त्रिभुज सी पी एल सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू एल, किस मेथड से? इन विच मेथड? वी कैन राइट साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ओके, सर्वांगसम था। ठीक है, अच्छा इफ यू वांट टू राइट इन इंग्लिश देन यू कैन राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल सी पी एल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी क्यू एल बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ओके अब लास्ट जैसे कंप्लीट होगा, आपको पता होना चाहिए कोई दो त्रिभुज यदि कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी सभी जितनी भी साइड्स होंगे और जितनी भी हो जाएंगे वो ऑलरेडी इक्वल होंगे। ठीक है, लास्ट की बात करें पी एल इक्वल क्यू एल, तो आप लिखेंगे पी एल इक्वल क्यू एल, इसी को तो फाइंड आउट करना था। पी एल इक्वल क्यू एल क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज सर्वांगसम होने के कारण की सही भुजाएं क्या होंगी? बराबर। तो पी एल इक्वल क्या हो जाएगा? क्यू एल। इन विच मेथड? तो आप लिखेंगे सी पी सी टी, सी पी सी टी, इंग्लिश में सी पी सी टी, हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों? सन त्री संग आ, यानी सम्मुख सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं बच्चों? बराबर होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे। और आए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।
फॉर वॉचिंग।